आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही अफरा तफरी मचा हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये क्या है? जैसा आपको पता होगा, 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी पे राष्ट्रहित में एक फैसला लिया और सभी को बताया कि 500 और 1000 के नोट अब मान्य नहीं होंगे। ये फैसला देश हित में लिया गया था। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम एडवांटेज की तरफ चलते हैं, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं या होंगे। इसके बाद मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। तो एडवांटेज क्या है? जैसा कि आपने अगर स्पीच पूरा सुना हो तो आपने सुना होगा कि काला धन के ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक है प्रधानमंत्री का। काला धन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे है, तो मैं आपको ये बता दूं, 500 के नोट और 1000 के नोट, ये दोनों नोट 86% है। बाकी नोट हमारे देश में एक के हों, दो के हों, पाँच के हों, या 10 के, 50 के और 100 के, ये सिर्फ लगभग 14% है। तो ज़्यादातर जो पैसे हैं वो 500 और 1000 के नोटों में हैं। तो अगर इसको रिकॉल कर लेते हैं, ज़्यादातर ब्लैक मनी भी हमारे 500 और 1000 के हैं, ज़्यादातर हमारे डुप्लीकेट नोट भी, जितने डुप्लीकेट नोट आ रहे हैं वो बाहर के देशों से आ रहे हैं, जो हमारे दुश्मन या पड़ोसी मुल्क हैं, या आतंकवादी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या अंडरवर्ल्ड है, ये सारे भी जो डुप्लीकेट नोट 100 का 50 का छाप कर क्या फ़ायदा, 500 और 1000 का छापेंगे तो उनको ये बेनिफिट होगा कि जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा पैसे कमा सके, कैश कर सके। तो इसके वापस होने से क्या होगा, उनके पास से पैसे हट जाएंगे। हवाला कारोबारी भी 500 और 1000 के नोट से ही कारोबार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। 100 के नोट, 50 के नोट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। इसी तरह से एक दूसरे को जो लोग फंड देते हैं, जैसे गलत कामों के लिए, टेररिस्ट अटैक के लिए, या कोई ऐसा प्लान हो जो देश के दुश्मन बनाते हैं, उसमें भी वो 500 या 1000 के नोट इस्तेमाल करते हैं। तो इस सर्जिकल स्ट्राइक से हमें फ़ायदा ये होगा, हमारे देश को ये फ़ायदा होगा कि वो सारी चीज़ें कुछ वक्त के लिए कम से कम बंद हो जाएगी। कुछ वक्त, एक साल भी हो सकता है, 5 साल भी, 10 साल भी, लेकिन हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता। काला धन जिसके पास है, काला धन भी लोग किसी न किसी बहाने, जैसा मेरा मानना है कि काला धन को वो किसी न किसी तरीके से तो सफ़ेद कर लेंगे, 10% पे, 20% पे, 30% पे। इस चीज़ का कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि काला धन पूरी तरह से वापस आएगा, लेकिन जितना भी आएगा वो देश हित के लिए अच्छा रहेगा। बाकी बात करता हूँ इससे और जुड़े फायदे की। करेंसी रिकॉल के इस मेथड को डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी, अब मैं पूरा इतिहास डेट वाइज नहीं बताऊँगा, इससे पहले भी 2-3 बार हो चुके हैं, जनता पार्टी के टाइम में हुआ है और 1946 के अराउंड हुआ है, और भी बीच में कभी हुआ 98 या 97 में, इवन 2014 के आसपास भी कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो भी 2005 से पहले के 500 नोट रिकॉल करने की योजना बना रहे थे, किसी वजह से उन्होंने रिकॉल नहीं किया। और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे पैसे रिकॉल किए जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में जब भी वहाँ का किंग चेंज होता है तो वहाँ की करेंसी अपने आप रिकॉल हो जाती है धीरे धीरे करके, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे हुआ है ऐसे नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, किंग चेंज होता है तो किंग की फ़ोटो वहाँ के करेंसी पे होता है, तो वो धीरे धीरे करके अपने आप बैंक में चेंज होते जाता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ब्लैक मनी का जो सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में इंडिया का नाम ब्लैक मनी के मामले में काफ़ी बदनाम है, तो यहाँ पर ऐसे फैसले लेने ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये तो हो गई करेंसी रिकॉल की और इसके फ़ायदे की। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स को छोड़ देता हूँ तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। फ़ायदे भी बताना मेरा फ़र्ज है, कर्तव्य है, और इसी तरह से आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताना फ़र्ज है, कर्तव्य है।
साइड इफेक्ट्स आपको सामने दिख रहा है, सारे एटीएम के सामने भीड़ है, बैंकों के सामने भीड़ है, जनता जिसके पास हजारों रुपये है वो भी फकीर है, तो ऐसे में नुकसान क्या क्या हो रहा है जनता को। पैसे हमारे जीवन के बहुत ही उपयोगी चीज़ है, मूल्यवान है, क्योंकि वो मूल्य है, उसका मूल्य है। हम कुछ भी करते हैं पैसे के बिना नहीं कर पाते हैं। बच्चे को खाना खिलाना हो, गाड़ी से ऑफिस जाना हो, या कोई और काम, बिना पैसे के नहीं कर सकते। अब हमारे पास नोट 100-100 के ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास हों, मैक्सिमम के पास नहीं होता, 500 और 1000 के। ये करेंसी बंद हो गया, कोई दुकानदार नहीं ले रहा, कोई अब पेट्रोल पंप वाले भी नहीं ले रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? अपने सरकार ने कह दिया पेट्रोल पंप वाले ले सकते हैं, फार्मास्यूटिकल ले सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे संस्था है, DTC बस वाले ले सकते हैं, लेकिन खुले उनके पास कहाँ से आएगा? वो चेंज करके कहाँ से देंगे? आपने उनको 500 रुपया दे दिया, आपने 100 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये आपका फेयर हुआ या सामान का वैल्यू है, बाकी के जो आपको वो 490 रुपया या 460 रुपये लौटाने होंगे, वो उनके पास भी तो होने चाहिए। तो ये इसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्योस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लोग बैंकों के बाहर भीड़ लगा लगा कर 4000 रुपये पाने के लिए या 2000 रुपये पाने के लिए लगे हुए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं चलेगी पैसे के बिना। न्यूज़ में भी आ रहा है कई बच्चे मर रहे हैं बिना इलाज के, या कई लोग फंसे हुए हैं कहीं अनजान जगह पे, जहाँ पे उनका जानने वाला कोई नहीं है, वो भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। अगर आपको जैसा जो जो फ़ायदा मैंने बताया, उस फ़ायदा जो हमारे देश हित के लिए जो फ़ायदे हैं, जो देश हित में जो हमारे हैं, अगर आपको लगता है कि ये नुकसान या ये साइड इफ़ेक्ट्स उसके सामने कुछ भी नहीं है, आप सह सकते हो, तो ये फैसला बिल्कुल सही है। अगर किसी को भी लगता है, मेजॉरिटी में अगर लगता है कि ये हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए ये फैसला गलत भी हो सकता है। तो अब आपको सोचना है प्रधानमंत्री जी का ये फैसला गलत है या सही है। इस पे ना मैं कमेंट कर सकता हूँ, ना ही कोई और कमेंट कर सकता है, क्योंकि अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सोचने की शक्ति है, उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं क्या फैसला सही है क्या गलत है। लेकिन ध्यान में रहे कि हमारे फौजी भाई भी देश हित के लिए अपना परिवार छोड़कर बॉर्डर पे संघर्ष कर रहे हैं। आप फौजी भाइयों को आप उन कैसे समझते हो कि वो एक जॉब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या अपनी नौकरी कर रहे हैं या हमारे लिए कुछ बलिदान दे रहे हैं, तो ये भी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कितने पैसे जमा करोगे तो कितने मिलेंगे, या इसके फाइनेंशियल डिटेल्स, जो काफ़ी लंबा है, अगर मैं इसमें डिस्कस करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ क्वेरी हो तो कोशिश करूँगा उसे मैं जल्द से जल्द सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ। थैंक यू।